अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है स्किन फ्रेशिंग, स्टमक लविंग एंड समर पीजी ब्लास्ट। व्यूवर्स, जिन्हें मैदे का मसला होता है, उन्हें मैदे में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपका मैदा ठीक होगा तो फिर ही आपकी स्किन ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगी। आपने डेली इसका एक गिलास बनाकर पीना है, आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगा। व्यूवर्स, इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद कटे हुए आड़ू, 2 टीस्पून रूह अफ़ज़ा, 2 टीस्पून शुगर, 4 से 6 आइस क्यूब्स, 1 गिलास पानी और उसके साथ 1 कप चिल्ड स्प्राइट, साथ में 1/3 टीस्पून नमक चाहिए हमें। अब एक ब्लेंडर लेना है आपने, उसमें आपने 2 अदद जो हमने बारीक काट के रखे हुए आड़ू है, ये हमने छिलके समेत काटने हैं, ये हमने उसमें डाल देने हैं। उसके बाद हमने इसमें 2 टीस्पून जो है वो शुगर के डाल दें। जिन्हें शुगर का मसला है वो इसमें चीनी इस्तेमाल ना करें, इसमें शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून हमने नमक डाल देना है इसमें। 1 कप जो हमने ठंडी स्प्राइट रखी थी वो डाल देनी है। और जिन लोगों को एसिडिटी का मसला है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आप डेली गर्मियों में 1 गिलास इसका बनाकर पिएं तो आपके स्किन के भी सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। 2 टीस्पून रूह अफ़ज़ा के डाल देने हैं और साथ में 4 से 6 आइस क्यूब्स डाल देनी है। आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जी व्यूवर्स, हमारा समर पीची ब्लास्ट, रमज़ान स्पेशल ब्लास्ट तैयार हो गया है। होप यू वुड इंजॉय इट।